हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं मनदीप लामबाग आपके साथ है। रीजनल ज्योग्राफी का सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो कि आपका मिर्डाल का कॉन्सेप्ट आता है, क्यूमुलेटिव कोजेशन थ्योरी, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखें। इसके साथ साथ इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक भी अवश्य करें, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्यूमुलेटिव कोजेशन थ्योरी के जो आपके बैकवास इफेक्ट क्या होता है, स्प्रेड इफेक्ट क्या होता है, ये सभी जो इफेक्ट होते हैं आप इसकी इसकी इस थ्योरी में हुए हैं वो सभी इस वीडियो में जानने को आपको मिलेंगे, राइट। तो वीडियो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्यूमुलेटिव कोजिशन थ्योरी है वो कुणाल मिडराल के द्वारा दी गई 1957 में, और ये मिडराल की जो थ्योरी है ये आपकी इनकी बुक में इकोनॉमिक थ्योरी एंड डेवलपमेंट रीजंस में आपकी ये थ्योरी आपकी दी गई थी। और मिडराल ने ये कहा था कि जो भी रीजनल डिफरेंस होते हैं किसी भी रीजन में, वो आपके कुछ ना कुछ आपके डिफरेंसेस देखने मिलते हैं, चाहे वो एक कोई भी आपका रीजन क्यों ना हो, राइट। तो एक तरीके से ये आपका जो स्पेशल इस थ्योरी में आपका फोकस किया गया वो रीजनल डिफरेंसेस के ऊपर ज़्यादा आपका यहाँ पर फोकस किया गया, राइट। जो कुछ इन्होंने कहा कि जो कुछ तो रीजन ऐसे होते हैं जो कि रिच इन रिसोर्सेज होते हैं, मतलब कि उनके पास रिसोर्सेज की भरमार होती है, लेकिन कुछ ऐसे जगह होती है, रीजन्स होते हैं जहां पर आपकी रिसोर्सेज की कमी होती है। तो एक तरीके से ये जो आपके दो तरीके की इन्होंने बात कही, इकोनॉमिक ग्रोथ है वो आपकी इनिशियली आपके नेचुरल जो एडवांटेज होते हैं, मतलब कि आपके रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, वो एडवांटेज जैसे कि आपका कोई फ्यूल हुआ या फिर कोई रॉ मटेरियल हुआ, वो आपके एक तरीके से इनिशियली आपको एडवांटेज में देती हैं किसी भी रीजन को। तो ये बात इन्होंने फोकस करके अपनी क्यूमुलेटिव कोजिशन थ्योरी में देने का प्रयास किया, राइट। चलिए थोड़ा सा हम समझते हैं। सबसे पहले तो जो भी रीजन्स हैं वो आपके कुछ अच्छे हैं जो कि आपके उसके उनके पास रिसोर्सेज मिनरल्स हैं वो अच्छे हैं, तो वो एक तरीके से गुड स्टार्टअप उनको मिल जाता है, ये इन्होंने थ्योरी में कहा। तो ये सपोज कीजिए जो ए रीजन है ये आपका रिच रीजन देखने को मिलता है, मतलब कि यहाँ पर आपका जो भी रीजन है ए रीजन, इसमें आपकी ज़्यादा आपके मिनरल्स मिलेंगे, आपके मिनरल्स आपके की भरमार देखने को मिलेगी यहाँ पर, उसके साथ साथ चीप लेबर मिलेगी, चीप लेबर के साथ साथ यहाँ पर जो कनेक्टिविटी है आपके, चाहे वो रेल हो रोड हो, वह भी आपकी अच्छी देखने मिलती है। तो एक तरीके से इसको यहाँ पर है मार्केट एरिया भी आपका यहाँ पर अच्छा खासा देखने को मिलता है, तो ये भी आपको ए जो आपका रीजन है इसको यहाँ पर फोकस या फिर आपका बढ़ावा एडवांटेज रीजन कह सकते हैं, राइट। बी रीजन की बात करें तो बी रीजन आपका मेनली एग्रीकल्चर रीजन पर आपका फोकस करके चलते हैं, एग्रीकल्चरल रीजन ये मान सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर न तो आपकी प्रॉपर कोई इलेक्ट्रिसिटी है, आपकी प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड है, या फिर आपका ट्रांसपोर्ट का जो नेटवर्क है वो भी अच्छा खासा नहीं देखने को मिलता, तो इस वजह से यहाँ पर जो बी रीजन है वो आपका एडवांटेज रीजन नहीं देखने को मिलता। ए रीजन आपका रीजन रीजन है, उसके साथ साथ एडवांटेज रीजन भी आपका देखने को मिलता है, तो इसको फायदा मिलेगा, ठीक है। तो इनका कहने का अभिप्राय यहाँ पर ये था कि जो भी रीजन होता है वो आपका रिच आपका कोई मिलेगा तो उसको एडवांटेज मिलेगा, और भी जो भी दूसरा रीजन होगा जहाँ पर एग्रीकल्चर या जो भी आपकी फैसिलिटीज हैं वो कम मिलेंगी तो उसको एक तरीके से कोलैप्स धीरे धीरे हो जाएगा, ये इन्होंने बात कही थी, राइट। दो तरीके के आपके इफेक्ट इन्होंने डिस्कस किए, एक तो पहला बैकवास इफेक्ट। तो बैकवास इफेक्ट में इन्होंने कहने का यह प्रयास किया कि जो बी रीजन है, जैसे सपोज कीजिए बी रीजन ये आपका मिलता है, बी रीजन में आपके रिसोर्सेज हैं वो आपके कम देखने को मिलते हैं, रिसोर्सेज बहुत न के बराबर आपके देखने मिलते हैं यहाँ पर। फिर बाद में आपके जो आउटफ्लो है वो भी आपका लेबर का आउटफ्लो भी देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर आपका रोजगार ही नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं तो जाएंगे ना ये लोग, इस वजह से। फिर बाद में आपके जो कैपिटल रिसोर्सेज हैं, कैपिटल है, उसका भी आउटफ्लो आपका देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से ये जो बी रीजन है ये एक तरीके से स्लोली स्लोली आपका कोलैप्स होता दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी आपके जो भी रिसोर्सेज हैं या लेबर है, कैपिटल है, वो आपका कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है उसकी साइड आपका लुभेगा, या फिर कह सकते हैं कि उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। तो ये भी आपका यहाँ पर इसी वजह से आपका ये जो बी रीजन है जो आपका एग्रीकल्चर पे डिपेंड मिलता है, पुअर इन रिसोर्सेज मिलता है, ये धीरे धीरे आपका कोलैप्स होता दिखाई देगा, यही बैकवास इफेक्ट इन्होंने अपनी थ्योरी में दिया।
इसके साथ साथ स्प्रेड इफेक्ट की बात करें तो ये एक तरीके से पॉजिटिव इफेक्ट इफेक्ट होता है, और जो आपका ये बैकवास इफेक्ट कहा ये आपका नेगेटिव इफेक्ट होता है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखें। इसके साथ साथ स्प्रेड इफेक्ट होता है, स्प्रेड इफेक्ट में आपका पॉजिटिव इफेक्ट होता है। जैसे कि ए रीज़न है, ये इन रीज़न यहाँ पर आपके इंडस्ट्रीज भी आपकी अच्छी खासी देखने मिलती हैं, इंडस्ट्री में आपके बहुत हैं, हाई रिसोर्सेज मिलते हैं आपका यहाँ पर, उसके साथ साथ लेबर और कैपिटल है वो भी आपकी अच्छी खासी देखने में मिलती है, इन्वेस्टमेंट है वो भी आपका अच्छा खासा देखने में मिलता है। तो एक तरीके से ये सभी चीज़ें यहाँ पर आपकी मिलेंगी, तो इस एरिया को धीरे धीरे ये आपका आपका यहाँ पर एक तरीके से स्लोली स्लोली आपका इंक्रीज होता जाएगा, ये रीज़न है वो आपका बढ़ता जाएगा। ये आपकी इस थ्योरी में डेवलप स्प्रेड इफेक्ट देखा जा सकता है। मतलब कि इनका कहने का अभिप्राय ये था कि इंडस्ट्रियल ज़्यादा होंगी तो ये इफेक्ट, ये जो आपका रीज़न है यहाँ तक है तो उसके बाद आपका और भी स्पेंड होगा, ये इन्होंने अपनी थ्योरी में इस स्प्रेड इफेक्ट में बताने का प्रयास किया, राइट। और ये जो आपका बी रीज़न है ये धीरे धीरे कोलैप्स होता दिखाई देगा और ये आपका स्प्रेड होता दिखाई देगा, इसका एरिया है वो आपका इंक्रीज होता दिखाई देगा, राइट। तो ये स्प्रेड इफेक्ट है, राइट। इसके साथ साथ जो थ्योरी ऑफ कुमुलेटिव कोजेशन इन्होंने बात कही उसमें एक तरीके से कोई भी रीजन है वो आपका रिच इन रिसोर्सेज रहेगा तो उसमें अच्छी खासी लेबर भी होगी, कैपिटल भी होगा, उसमें इन्फ्लो होगा, इन्वेस्टमेंट भी हाई होगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज भी हाई होंगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी भी हाई होंगी, और उसके साथ साथ कैपिटल कैपिटल और इनफ्लो आपका ज़्यादा देखने को मिलेगा यहाँ पर। उसके साथ कैपिटल के साथ साथ जो भी आपके अंदर आने की जो भी आपकी कंडीशंस होंगे, लोग हैं ज़्यादा आपका अट्रैक्ट देखने को मिलेंगे। तो ये एक तरीके से आपका यहाँ इस रीजन में आपका ये रीजन होगा, ये फ्लोरिस हो जाएगा, मतलब कि आपका प्रमोट होगा, यहाँ पर डेवलपमेंट है। और रीजन वाइज रिवीजन इस रीजन में स्पेशली जहाँ पर रिसोर्सेज अच्छे हैं, आपके कैपिटल अच्छे हैं, इन्वेस्टमेंट अच्छी है, जॉब अपॉर्चुनिटी अच्छी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी अच्छी है, तो ये रीजन बहुत ही अच्छे से पनपेगा, आपका प्रमोट होगा यहाँ पर, इस बात में ये देखने को मिलता है। ये आपका क्यूमुलेटिव पोजिशन की जो आपका इफेक्ट मिलता है इसमें आपका फ्लोरिशिंग रीजन के बारे में डिस्कस किया। इसके साथ साथ यहाँ पर दूसरी बात करें तो आपका कोई भी रीजन है अगर पुअर है, उसमें आपका यहाँ पर कोई रिसोर्सेज नहीं है, आपका इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, कोई ना ही कोई जॉब अपॉर्चुनिटी है, ना ही इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, तो आपका जो रीजन है वो आपका पुअर से पुअर की तरफ चला जाएगा और ज़्यादा ज़्यादा वो पुअर होता चला जाएगा दिखेगा। ये एक तरीके से यहाँ पर जो रीजन होगा वो आपका कोलैप्स हो जाएगा, राइट। तो ये आपका यहाँ पर मिलेगा और इनफ्लो जो आपका फ्लरिशिंग है वो आपका एक रीज़न इतना रीज़न है तो वहाँ पर और भी आपका एक्सपेंड होगा, एक्सपेंड होने के बाद वो रीज़न और भी बड़ा हो जाएगा, उसका एरिया है वो वास्ट हो जाएगा। ये ही इस थ्योरी में पूरा का पूरा फोकस करके इन्होंने थ्योरी ऑफ क्यूमुलेटिव पोजिशन में आपका यहाँ पर देने का प्रयास किया। इसके साथ साथ जो मिडाल है, मिडाल ने अपोज्ड किया आपका जो भी ग्रोथ पोल का कॉन्सेप्ट था। ग्रोथ पोल का कॉन्सेप्ट किसका था आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं ज़रूर। तो ग्रोथ पोल का कॉन्सेप्ट था उसको अपोज्ड भी इन्होंने किया। उसके साथ साथ यहाँ पर इन्होंने बात कही जो पुअर रीजन है वो धीरे धीरे और भी पुअर होता जाएगा और उसकी स्पीड है वो आपकी बहुत ज़्यादा हाई होगी यहाँ पर अंडर डेवलप्ड रीजन में। तो अंडर डेवलप्ड जो आपकी रीजन्स हैं या फिर कह सकते हैं कि जो नेशंस हैं तो उनमें उनमें आपका अंडर डेवलप्ड जो नेशंस होंगे उनमें आपका ये जो स्पीड होगी वो ज़्यादा होगी। इसके साथ साथ जो डेवलप्ड नेशन की बात करें तो डेवलप्ड नेशन में आपका जो भी रीजन होगा उसमें रिच अगर कोई एरिया होगा आपका नेचर में तो आपका रिच भी आपका स्पेशली आपका यहाँ पर और भी स्पीडली आपका देखने को मिलेगा। मतलब कि पुअर है पुअर रीजन पुअर और भी ज़्यादा होगा और उसके साथ साथ जो रिच रीजन है वो भी आपका रिच टाइम टू टाइम आपकी स्पेस बहुत ज़्यादा स्पीडली होगा डेवलप्ड रीजन में। एक तरीके से ये जो पूरी पूरी थ्योरी आपको बिल्कुल कम समराइज वे में आपको मैं डिस्कस करने का प्रयास किया, सभी चीज़ें आपको समझ आई होंगी ऐसी मैं आशा करता हूँ और बहुत अच्छे से मैंने सभी चीज़ें आपकी कवर भी की हैं। इतना ही कुछ इससे थ्योरी में देखने मिलता है, बाकी आपका कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है चाहे किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, राइट। तो होप आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी हुई होगी। वीडियो लाइक जरूर करें, कोई भी डाउट होते हैं तो कमेंट सेक्शन में मेरे को साथ डिस्कस कर सकते हैं और हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।